हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसी ऑनलाइन क्लास क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर थर्ड। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 7। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। कोई नंबर हमारे पास 12 से डिविजिबल है तो हमें और अदर नंबर्स फाइंड करने जो 12 से डिविजिबल हो, तो इसको फाइंड करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं वो है कि जो गिवन नंबर है उसके हम क्या फाइंड कर लें, फैक्टर। तो 12 के फैक्टर फाइंड करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड काम में लेंगे हम। 12 2 से डिविजिबल, 6 10 3 एंड ये 1। तो 12 के जो फैक्टर होंगे वे भी 1 से डिविजिबल है, 2 से 3 एंड 2 2 जा 4 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6 2 जा 12। तो कहने का मतलब, फैक्टर फाइंड करने का मतलब सीधा सा मतलब होता है कि जो गिवन नंबर है किस किस की टेबल में आता है। 1 की टेबल में आता है, 12 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में, 6 की में एंड 12 की टेबल में आता है। तो ये फैक्टर्स हो गए, दैट इज आंसर। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, प्राइम नंबर्स विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, इटसेल्फ एंड 1। अब प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं डिस्कस करते हैं। देखिए 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर, 2 की टेबल में आता है और 1 से डिवाइड होता है, 2 ही फैक्टर है ना 2 के, 1 एंड इट्स 7। 3 से डिवाइड है और 1 से, उसके बाद 5 से डिवाइड है और 1 से, उसके बाद 7 से डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है। 7 के बाद हमारे पास 11 के बाद 30 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। तो ये प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है कि जो गिवन नंबर है अगर उसे उसके आप फैक्टर फाइंड कर लें। फॉर एग्जांपल, फाइंड फैक्टर्स ऑफ 36। जैसे हमें 36 के फैक्टर फाइंड करें, अब देखिए 36 को हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे लेकिन प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका नाम ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है तो प्राइम नंबर ही हम यूज करेंगे। प्राइम नंबर की स्टार्टिंग 2 से होती है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। गिवन नंबर अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो नेक्स्ट नंबर ट्राई करेंगे 3, 3 से डिविजिबल नहीं है तो नेक्स्ट नंबर 5 ट्राई करेंगे, ऐसे चलते रहेंगे। लेकिन नंबर्स हमारे पास कौन से आने चाहिए इस साइड में, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। और तो स्टार्टिंग में प्राइम नंबर की स्टार्टिंग 2 से, ये गिवन नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे 18 टाइम्स, 18 अगेन 2 से डिविजिबल है। अब देखिए वो जो गिवन नंबर है वो बार बार उसी नंबर से भी डिवाइड हो सकता है तो उसी नंबर से आप करते जाइए जब तक वो डिविजिबल है। अब 18 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स आएगा, 9 अब 2 से डिविजिबल नहीं है। देखिए तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हम कौन सा यूज करेंगे, 3 से डिविजिबल है 9, 3 टाइम्स 3 और अगेन 3 से डिविजिबल है। तो 36 के जो फैक्टर आए हमारे पास वो आए हमारे पास 2 × 2 × 3 × 3, इन जो हमने प्राइम नंबर्स यूज किए उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन 36 के फैक्टर्स होंगे। 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36, इनको मल्टीप्लाई करके आप चेक भी कर सकते हैं, जो LHS में है वही आपका RHS में है। अब इसके बाद ट्री मेथड होता है हमारे पास फैक्टर फाइंड करने का। नेक्स्ट मेथड कौन सा है, ट्री मेथड में देखिए कैसे फाइंड करते हैं। जैसे 36 को ही लेते हैं, 36 स्टार्टिंग में हम प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे इसको। 36 को राइट कर सकते हैं हम 2 × 18, 36 के 2 पार्ट्स की हमने 2 × 18। अब देखिए 18 को आगे डिवाइड कर सकते हैं 2 × 9, अगेन 2 × 9। अब 9 के अगेन हो सकते हैं 3 × 3। तो जो ये गिवन नंबर आएंगे हमारे पास यही हमारे पास, इसको इसी मेथड को हम बोलते हैं ट्री मेथड। ट्री मेथड में हम डिवाइड करते जाएंगे और जो लास्ट
ये जो गिवन नंबर होंगे प्राइम नंबर्स ही होते हैं, इसमें भी प्राइम नंबर्स ही आएंगे सारे, टू मल्टीप्लाई थ्री। तो ये ट्री मेथड हो गया, 36 को हम राइट करेंगे टू मल्टीप्लाई थ्री। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड ट्री मेथड दोनों ही ईजी है, तो आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड हम डिस्कस कर लेते हैं। हेयर आर फैक्टर ट्रीज फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर्स। फैक्टर ट्री आपके पास गिवन है, हमें मिसिंग नंबर फाइंड करने, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वो नंबर हमें फाइंड करने दो। तो ए पार्ट देखते हैं, 60 के टू फैक्टर हुए 6 × 10। 6 के फिर फर्दर टू पार्ट्स हमने डिवाइड किए, वन पार्ट तो 2 है। अब देखिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाए, 2 × 3 = 6, तो ये मिसिंग टर्म्स में नंबर क्या आएगा यहाँ पर, 3 नंबर आए, 3 × 2 = 6, ये फाइंड हो गया। ऐसे देखिए 10 के टू पार्ट्स, एक प्राइम नंबर हो गया 5, तो दूसरा प्राइम नंबर क्या होगा, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 10 आ जाए, 5 × 2 = 10, तो मिसिंग नंबर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास, ऐसे बी पार्ट के आप सॉल्यूशन कर सकते हो, 60 के टू पार्ट्स, एक पार्ट तो इसने गिवन है 30 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, तो दूसरा जो प्राइम नंबर होगा 30 को प्राइम नंबर की स्टार्टिंग देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 8, ये सॉन चलता रहेगा, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आ सकता है, तो हमारे पास 30 को 2 से मल्टीप्लाई करने तो 60 आता है, तो ये मिसिंग टर्म्स हमारे पास क्या आ जाएंगे यहाँ पर, 2। अब देखिए 30 के अगेन 2 पार्ट्स की है, 1 पार्ट तो 10 गिवन है, सेकंड आपको पता है, अब 10 को कौन से प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए, 3, 10 × 3 = 30, तो इसमें आएगा हमारे पास नंबर 3। अब देखिए अगेन दोनों ही मिसिंग है, 10 के 2 पार्ट्स में दोनों ही मिसिंग है, तो 10 के 2 पार्ट्स कौन कौन से होंगे कि मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 10 आए, 2 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर है, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो आप कैसे भी राइट कर सकते हो, यहाँ 5 या फिर ये 2, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो मिसिंग टर्म्स हमारे पास 2, 5 + 10, ठीक है। तो ऐसे ही आप डिफरेंट टाइप के और एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, 3.5 के अकॉर्डिंग, आप जो जो हमने आपको मेथड डिस्कस किए हैं उस टाइप के आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं।